टाइमिंग एक आपको क्या कहते हैं अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस टाइम पे मुझे पढ़ना है, किस टाइम पे मुझे बाकी एक्टिविटीज करनी है, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, डेली का डेली करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं कोशिश करेंगे कि पूरे से पूरे कर जाओ। हेलो बच्चों, तो मैं अभी आपको जो जेई मेन में सिक्वेंस सीरीज के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेन में वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जब मतलब एक तरीके के जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मोस्ट आस्क क्वेश्चन इन जेई मेन फ्रॉम सिक्वेंस एंड सीरीज। सिक्वेंस और सीरीज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने सालों से जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीन तरह के लेवल लेके आऊंगा, यहाँ पर अपन तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसमें भी। एक तो बेसिक वाले, बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल नोट्स पढ़ने से या बोर्ड का पढ़ने से भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आएंगे मॉडरेट लेवल के। मॉडरेट लेवल के मतलब थोड़ा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे आखिरी में हार्ड वाले, ठीक है। ये तीनों तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले बेसिक तो वाले क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो बेसिक वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो ये है पहला वाला बेसिक क्वेश्चन अपना, जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये आप देख ही पा रहे हो आराम से कि ये 2020 में आया था बच्चों, 3 सितंबर को, सिर्फ वन में, ठीक है। जेईई मेन के कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, आप आराम देख पा रहे हो, यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, ठीक है ना। जिसका सम क्या होता है अपन जानते हैं अच्छे से, एस इनफिनिटी का सम होता है बच्चों ए अपॉन वन माइनस आर, हाँ कि ना। तो निकाल लेते हैं इसमें, अगर अपन इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं सिर्फ, तो वहां ए की वैल्यू तो कितनी बच्चों, 1/3, ठीक है, अपॉन वन माइनस आर। वन माइनस आर, आर भी कितना होगा, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, ये 1/3 आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/3, और नीचे से आएगा बच्चों 2/3, 3 3 कट जाएगा, तो बचेगा ओनली 1/2। बेसिक है तो बिल्कुल, है ना। तो इसका आंसर 1/2 आ गया है। अब हम देख लेते हैं अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। 0.16 को अपन लिख देंगे बच्चों 16/100, ये तो अपन कर ही सकते हैं आराम से, है ना, 16/100, ठीक है। अब यहाँ लॉगरिथम में दे रखा है बच्चों अपन को 2 2.5, 2.5 को लिखते हैं अपन बच्चों 5/2, है ना। और ये वैल्यू कितनी आ गई थी अपनी, 1/2 आई गई थी अंदर वाली वैल्यू, हाँ कि ना। अब इसको सोल्व किया जाए, आप जब इसको कट करोगे बच्चों, तो 4 टाइम्स कट रही है, तो नीचे 25, है ना। तो ढंग से देखोगे ना बच्चों, ये 4/25 आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं बच्चों 2/5 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। और यहाँ लॉगरिथम आ गया 1/2, बेस के अंदर कितना आ गया बच्चों 5/2। अब आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता है कि लॉगरिथम की जो मल्टीप्लाई में है वो उधर पावर ऊपर आ जाता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ बच जाएगा आपका 2/5 की पावर लॉगरिथम 1/2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ बेस कितना, 5/2, ठीक है। अब आप ढंग से देख पा रहे हो, यहाँ 2/5 है, यहाँ 5/2 है, ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों कि 5/2 की पावर -1 कर सकता हूँ, हाँ कि ना। तो लॉगरिथम यहाँ आ गया 1/2 की पावर 2, और बेस कितना है बच्चों, 5/2। अब फिर ये भी पावर में मल्टीप्लाई, ये पावर पे पावर है, तो -1 भी पावर में आ जाएगा, तो ऑल ओवर कितना बच जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा लगभग 5/2 लॉगरिथम 1/2 की पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5/2। अब आपको पता है लॉगरिथम में अगर पावर और बेस सेम होते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं, तो अपना आंसर क्या बच गया बच्चों, 1/2 की पावर -2, माइनस में पावर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर आंसर आ जाएगा अपना 4, आगे ना। तो ये बिल्कुल इजी था, कैलकुलेशन करनी थी। तो बच्चों इसमें मोस्ट क्या आता है सबसे ज्यादा, ये वाली सीरीज जो अपनी एजीपी है ना बच्चों, सॉरी इनफाइनाइट जीपी, इसके क्वेश्चन आ ही जाते हैं कभी कभी, किसी न किसी टर्म्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस में आ जाता है बीच में, हाँ कि ना, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, इसीलिए मैंने ये लिया है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद अपन चलते हैं, देखिए बच्चों जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको
पढ़ाई करते हुए कुछ तकलीफ आती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे आलसी होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो बस 2 घंटे ही पढ़ूंगा, बाकी टाइम मूवी देखूंगा या टाइम पास करूंगा। तो ऐसे बच्चों का रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको एक टाइमिंग, एक आपको क्या कहते हैं अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस टाइम पे मुझे पढ़ना है, किस टाइम पे मुझे बाकी एक्टिविटीज करनी है, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, डेली का डेली करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं कोशिश करेंगे कि पूरे से पूरे कर जाओ। कभी कभी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं, आप कर नहीं पाते हो सारे, लेकिन थ्योरी तो कम से कम रिवाइज करो और क्वेश्चंस कम से कम करो। मतलब ऐसा ना हो कि किसी दिन आपने कोई भी क्वेश्चन किया ही नहीं हो, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो डेली करो अपनी सीट के या जो भी डीपी भी दे रखी है। तो क्या कहता है यहाँ पर, क्या कहा गया कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। मतलब अगर आपको अपना रिजल्ट अच्छा लाना है, आपको जेई में आईआईटी में जाना है, तो आप बस हवाई फायर नहीं कर सकते कि मेरा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे तो ऐसा पेपर है, मैंने तो इतनी पढ़ाई कर रखी। बातों से नहीं रातों से होगा। जितनी रातें आप जागोगे या रात में कितनी देर तक पढ़ रहे हो आप, है ना, मान लो आप जल्दी से जाते हो तो जल्दी उठ जाइए, हाँ कि ना, या लेट नाइट तक पढ़ रहे हो तो सुबह आप आराम से उठ सकते हो 6-7 बजे तक, अगर आप 12-1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो, हाँ कि ना। वैसे तो हमारा कहना यही कि मॉर्निंग में जल्दी उठ कर पढ़े, है ना, उस समय थोड़ा एक्टिव रहता माइंड। तो अच्छे रिजल्ट बातों से नहीं रातों से लड़कर मिलता है। मतलब अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो बातें करके फेकारोजी करने की जरूरत नहीं, आपको रातें काली करनी पड़ेगी, तब जाके आपका रिजल्ट आ पाएगा, तभी आप बाकी बच्चों से आगे बढ़ पाओगे। सोच लीजिए आप भी 12-13 लाख बच्चे जेई का फॉर्म भरते हैं, सीट्स कितनी है आपको पता है ना। आईआईटी में एनआईटी में सही 23,000 है ना, आईआईटी में 15-16,000, हाँ कि ना। तो पूरी मिला मुलूके आपको 50-60 हज़ार सीटें हैं, उसमें से भी अच्छी रैंक लानी है आपको, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत है भी, हाँ कि ना। चलिए तो मैंने बीच में आपको मोटिवेट भी करते ना पढ़ाई के बीच में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आएगा बच्चों मॉडरेट क्वेश्चन। अभी जो अपन ने किया था वो बिल्कुल बेसिक लेवल का था, सिंपल क्वेश्चन था, हाँ कि ना। अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करते हैं जहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ कि ना, रातें जगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। इस तरह का क्वेश्चन आपने जब हम पढ़ाते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन तो कराए मैंने काफी बहुत बार। ये आया था बच्चों 2021 में 27 जुलाई को SIFT 1 में, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये तीनों टर्म्स किस में दे रखी है बच्चों, अगर एपी में दे रखी है, किसमें बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में दे रखी है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये इंटीजर क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जो गलती सारे बच्चे करते हैं, सबसे पहले लॉगरिथम दे रखा है ना, तो लॉगरिथम की कंडीशन क्या होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि लॉगरिथम में अगर कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो बेस तो आपको 3 दे रखा है, तो बेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्स पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो आपको सबसे पहला काम है बच्चों कि 2x-5 ये पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा 2x-7/2 ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको अपन याद रखेंगे, आखिर में चेक करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं लेंगे एक्स की वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता हो, हाँ कि ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे सोल्व कर लेते हैं एक्स की वैल्यू न जाने क्या क्या आती है और इसको सोल्व नहीं करते, अब गलत निकलता उनका, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर 3 टर्म अगर एपी में हो, मान लो ABC इन एपी, अगर एपी में है तो अपन क्या लिखते हैं हमेशा 2B = A+C। मतलब बीच वाले टर्म का 2 गुना एंड वाले टर्म्स के सम के बराबर होता है। मतलब 2B = A+C, मतलब बीच वाले टर्म का 2 गुना। तो आ जाओ बीच वाले टर्म का 2 गुना करते हैं, 2 × log(2x-5) एंड वाइल एंड टर्म्स, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या सम के बराबर होता है। ये हो गया 2 base 3 प्लस लॉगरिथम में आ गया, लास्ट वाले क्या है पीछे लॉगरिथम base 3 2x-7/2, ठीक है। अब लॉगरिथम में अगर आपको 8 दे रखा है तो आपको पता है, देखो अगर लॉगरिथम में मल्टीप्लाई है वो तो पावर में आ जाएगा, अगर एडिशन दे रखा है तो ये एक्सप्रेशन
और ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑल ओवर अपन को क्या मिलेगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, अब बेस तो थी दे रखा हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो ये आ जाएगा लॉगरिथम 2 की पावर x - 5 का होल स्क्वायर, बेस 3 हो गया अभी, है ना। यहाँ हो जाएगा लॉगरिथम 2 into 2 की पावर x - 7/2, हाँ के ना, बेस 3 है। अब लॉगरिथम तो लॉगरिथम कट ही जाएगा, मतलब काटते नहीं है, जो अंदर का जो एक्सपोनेंट है वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अगर अपन, तो अपने सामने क्या कंडीशन आ गई भी देख लीजिए आप, अपने सामने कंडीशन आ गई बच्चों। अब 2 की पावर x को मैं तोड़ देने के लिए क्या मानता हूँ, t मानता हूँ, 2 की पावर x को क्या मानता हूँ बच्चों, t भी मान लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा बच्चों t - 5 square इक्वल टू 2 को आया मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 2t - ये 2 7/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 बचेगा। अब अपन स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये a² + b² - 2ab इक्वल टू बच गया बच्चों 2t - 7। इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा t² और ये हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -12t + 32। अब यहां से t की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको आती ही होगी। अब यहां t की वैल्यू 8 और 4 आ गई है, और t की वैल्यू अपन ने रखी थी 2 की पावर x, तो मैंने वो रख दी है। अब 8 को ले सकता हूं 2 की पावर 3 और 4 को ले सकता हूं 2 की पावर 2, और पावर को कंपेरिजन करूंगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3 और 2। मैंने पावर को कंपेयर किया है। अब 3 और 2 वैल्यू को मैं चेक करूंगा, जो अपन ने स्टार्टिंग में जो बॉक्स बनाया था वहां पर चेक करेंगे कि x की वैल्यू 2 और 3 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। जो सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। अब 2 रखेंगे ना जब x की वैल्यू, तो 2 की पावर x - 5 में 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 - 5 कितना हो जाएगा -1, तो मतलब x की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती है 2 की पावर x, है ना, ठीक है ना, ओके। लेकिन अगर जब आप 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो दोनों तरफ 2 की पावर x की जगह 8 रख देना तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब 3 तो हो सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा और इंटीजर आंसर है, ठीक है। तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को अच्छे से आसानी से, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि लॉगरिथम में जो भी एक्सपोनेंट आए वो पॉजिटिव रखें।